This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purse. पीयू की अभी हमने जैकेट लेनी है सर्दियों की, इसलिए पीयू अभी एक दो दिन पहन के जा रही है। इसके पापा टूर पे गए ना, तो आते ही सबसे पहले हम स्कूल से जाके इसकी स्कूल की जैकेट परचेज करेंगे। बताओ एक महीने बाद अपन कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, दैट्स अ सरप्राइज। वो सरप्राइज आपको रिवील करेंगे हम बाद में। बस आने वाली है बस आपकी। इस बच्ची का सारा भार उठा के कौन खड़ा है? मम्मा। और गाइस, कल जो वीडियो स्लो मोशन में क्या था तो मजा ही आ गया। अच्छा, कल वाला वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना। अब जैसा कि हमारी आंटी नहीं आ रही हैं अभी, तो झाड़ना पोंछना तो वैसे भी रेगुलर करते ही हैं, बट अभी झाड़ू पोछा वगैरह ये सब भी करना था। तो इनके जाते, पीहू के जाते ही मैं ऊपर आके इसी में लग गई, क्योंकि छुटकू सो रहा था। तो अगर वो सोते सोते जितना काम हो जाता है उतना हो जाता है, फिर उसके स्कूल का टाइम हो जाता, इसलिए मैंने आते ही फटाफट से अपना ये काम शुरू कर दिया। और मंजू जी किचन में लगे हुए थे, वो किचन का पूरा संभाल रहे थे, तो हम दोनों ही जल्दी करने में लगे हुए थे कि फटाफट कर लें, बट इतने में हमारा छुटकू आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तैयारी कर दो। गुड मॉर्निंग। देखो ये देखो, सब देखते हैं आपको, बोल दो गुड मॉर्निंग। क्या बेटा, पोटी आ रही है? चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। बोलो हाय गाइस। जोर से आप बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? कैसे हो? मैं तो रेडी हो गया। मैं रेडी हो गया। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? चिप्स लेने या स्कूल? कहाँ जा रहे हो? खड़े हो तो हो, तो आप खड़े हो गए चिप्स ले पाओगे? देखूंगा चश्मे से, बबू लग जाएगी। देखूंगा आवाज का। ये आपका है पीयू का है? आवाज चल तो, आवाज तो चलेंगे, आप पहले खड़े हो जाओ। मैं जा रही हूँ इस छुटकू को कहाँ छोड़ने के लिए? चिप्स लेने के लिए। और चिप्स लेके हम कहाँ जाएंगे? खाना खाऊंगा। उसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद जाएंगे स्कूल। स्कूल। आज इसकी कंडीशन है कि स्कूल जाने से पहले मैं चिप्स लूंगा और उसके बाद स्कूल जाऊंगा। चलो चले, चलो बाय कर दो सबको। बाय 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 टाटा टाटा टेक केयर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज किरण राठौर व्लॉग्स। और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ नहा धो के, और बच गए हैं 12:15 और 12:30 मुझे मेरे छुटकू को लेके आना है। मतलब जब तक वो वापस आता है तब तक आजकल मेरे घर के काम भी पूरे हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे काम वाले आंटी भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर इसलिए हम उसमें बिजी हैं। और अभी मंजू दीदी भी आए हुए हैं, तो फिर हम ये सोच रहे थे कि सर्दी के कपड़े वगैरह निकाल लें, उनको थोड़ा सा धूप लगा दें, क्योंकि अकेले फिर ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो हम दोनों मिल के वही करने में लगे थे। तो मैं जस्ट अभी नहा के निकली हूँ, गीले गीले बाल। बस अब मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, कॉफ़ी पियेंगे हम दोनों। और हम आज अलमीरा को थोड़ा सा सेटअप करने में लगे हैं, कि जैसा मैंने आपको बताया था कि दिवाली में मेरी बहुत ज़्यादा सफाइयाँ नहीं हो पाई थी, तो अब अलमीरा जो है जिसमें पहले के बहुत सारे कपड़े जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, मैं सब उनको डिस्कार्ड करने वाली हूँ, या फिर घर में पहनना उनको शुरू करने वाली हूँ। देखते हैं क्या करना है उनका।
और बाकी आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए प्लीज़, और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ साइड में जो ये बेल आइकन होता है ना इसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर वीडियोज़ एंड मेरी फ़ोटोज़ मेरी फैमिली पिक्स वगैरह सब कुछ अपलोड करती रहती हूँ, और जो मेरा इंस्टाग्राम है उसका हैंडल नेम है kiran.raathore.official, सो यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर टू। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कॉफ़ी बनाने जाऊँगी, और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम का हाल, मेरी बेसिकली मेरी अलमीरा का हाल कि कितना ढेर है, और जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ये मेरा जो कुर्ते वगैरह का जो सेक्शन होता है ना सिर्फ वो है, सिर्फ वो सेक्शन है ये, और कुछ नहीं है इसमें। क्या आप देख पा रहे हैं ये हॉल? ढेरों के पीछे मंजू जी छुप गए हैं। ये है मेरा सिर्फ मेरी अलमीरा जो सिर्फ कुर्तों से भरी पड़ी है। साड़ियां भी नहीं है इसमें, साड़ियां ऊपर हैंग हो रही हैं जो दो चार मैंने निकाल रखी है वो, बाकी साइड वाली अलमीरा में है जो भी साड़ियां हैं, या फिर इसमें बेड में है पोशाकें भी बेड में है, ये सिर्फ मेरा कुर्तों का और टॉप जीन्स टॉप और इन सब का ही ढेर मचा हुआ है। मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि इनका क्या बनेगा। क्या किया जाएगा, कैसा गदर मचा रखा है। अब बस हम कॉफ़ी पियेंगे और फिर इसका कुछ जुगाड़ करेंगे। मंजू दी तो बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे मज़े आ रहे हैं, गरम गरम लग रहा है। कुछ छुपने की अच्छी जगह मिल रही है ये बच्चों को। है ना, आराम से आके छुप सकते हैं यहाँ पे। मेरे ना बाकी चीज़ों का फिर भी ठीक है, सब कुछ सेटअप रहता है, सब कुछ मैनेज रहता है, बट एक कपड़े कपड़े मुझे समझ में ही नहीं आता हाउ टू मैनेज देम। मतलब एक तो ये पता क्या होता है, मेन चीज़ क्या है कि जैसे कोई इंसान ऐसा होता है कि जो सिर्फ सलवार सूट पहनता है, या कोई ऐसा कि जो सिर्फ ये साड़ी पहनता है, सिर्फ मतलब बेस और पोशाक पहनता है, या फिर सिर्फ जीन्स एंड टॉप पहनता है, मतलब ऐसा कुछ होता है ना। अब हम हैं, हम पोशाक भी पहनते हैं, हम साड़ी भी पहनते हैं, हम सलवार सूट भी पहनते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस में बहुत सारी वेराइटी होती है जो हम सब कुछ पहनते हैं, तो उस चक्कर में हर एक चीज़ पहनते हैं तो उस चक्कर में हर चीज़ का इतना सारा कलेक्शन हो जाता है कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मंथ में ऐसा तो होता ही है कि हर एक चीज मतलब जितने भी ये वैरायटीज है क्लोथ्स की उनमें से एक एक तो एटलीस्ट बंदा खरीदेगा ही खरीदेगा, है ना। राइट वे नाइट वेयर अलग है, डे वेयर अलग है, घर में पहनने के कपड़े अलग है, बाहर पहनने के कपड़े अलग है। तो मैं सबको सॉर्ट आउट करने वाली हूँ बिकॉज इतना कुछ नहीं। और बाकी एक बहुत 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 बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तो उसके लिए भी मुझे मेरा थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके रखना पड़ेगा, मेरी चीज़ों को मैनेज करके रखना पड़ेगा ताकि मैं बाद में परेशान नहीं हो। तो वो सरप्राइज़ क्या है आपको, आप लोगों को बहुत ही जल्द पता चलेगा, और वो बहुत ही एक्साइटिंग वाला मतलब शॉकिंग वाला सरप्राइज़ है। आई एम द रियली एक्साइटेड फॉर दैट वन, आई एम द रियली एक्साइटेड, वेरी खुश, और थोड़ा सा ऐसे डर भी है कैसे होगा सब कुछ मैनेज, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बट हैप्पी टू, इतने सालों में फर्स्ट टाइम ये चीज़ होगी, बट होगी, और मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बट वी विल मैनेज इट। तो उसके लिए भी मुझे मेरा थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके रखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग नहीं मैनेज हो सकता उसके लिए। तो वो सरप्राइज़ क्या है आपको जल्द ही पता चलेगा। तो चलो अब हम जल्दी से कॉफ़ी पीते हैं और अलमीरा सेट कर दे, फिर मैं दिखाऊंगी हमने कैसे सेट किया उसे। तो ये रही हमारी कॉफ़ी, अब हम उसी ढेर में जाके बैठ के अंदर घुस के और कॉजी कॉजी होके कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद फिर काम करेंगे। देखिए मस्त धुआं निकल रहा है। कोई सा भी ले लो, हाँ ये ले लो। अब हम कॉफ़ी पीते हैं, काम करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो हेलो गाइस, तो मैंने जैसे बताया था हमने अलमीरा तो सेट कर ली, उसमें बहुत टाइम लग गया था हमें, मॉर्निंग में किया फिर उसके बाद दोपहर में थोड़ी देर खाना वाना खा के बच्चे आ गए थे तो बस उसके बाद नहीं किया, फिर शाम को वापस से हमने स्टार्ट किया और शायद रात के 8 बजे जाके वो पूरी सेट हुई। और अब मेरी हो गई है हालत ख़राब, मेरी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई है, भयंकर वाली, मतलब अनईजी फील हो रहा है, इसलिए मैं सोफे पे लेट गई, मतलब उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो अब मैं रेस्ट करूँगी आज, अभी सो जाऊँगी मैं, वैसे 10 बजने वाले हैं तो बच्चे भी सोएंगे मैं भी सो जाऊँगी, वरना मैं इनके सोने के बाद थोड़ी देर अपना कुछ काम करती हूँ एडिटिंग वेडिटिंग का और कुछ मेल्स वगैरह का, आज नहीं करूँगी।
अब कल ही संभालूंगी, कल ही करूंगी जो भी मुझे करना है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप लोग भी अपना ध्यान रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय।